Students, today we shall study in details 12th class lesson of NIOS, fourth lesson, Fathers, Dear Fathers. इस लेसन के अंदर से हमारे को ये बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम्स है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और किस प्रकार जो चीज़ें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि अननेसेसरी चीज़ें जो हमारे लिए कभी ज़िंदगी में हमारे लिए यूजफुल नहीं है, काम आने वाली नहीं है, वो हमारे को पढ़ाई जाती हैं। प्राचीन ज़माने में जो लोग थे वो उनकी पढ़ाई बढ़िया थी, उनका बिहेव बढ़िया था, वो आज भी मतलब जो मॉडर्न जनरेशन है इसके बजाय बहुत अच्छे हैं। इस लेसन के अंदर सारी की सारी चीज़ें हमारे को बताई जाएंगी। ये एक आर्टिकल्स है, एक किसी न्यूज़पेपर से लिया गया है। ए यंग बॉय राइट्स ए लेटर इन रिप्लाई टू द वन ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर्स लेटर सी। एक नौजवान लड़का जो अपने पिता को चिट्ठी लिखता है, उसके पिता की एक चिट्ठी लेटर उसके पास आता है, उसका जवाब देता है, उसमें देखते हैं कि वो क्या कहता है, व्हाट ही हैज टू से, क्या है उसके पास कहने के लिए। एट द एंड ऑफ द लेसन जब खत्म होगा तो हम कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर आर्टिकल जो अखबार के अंदर लेख होते हैं उनको समझना और पढ़ना हम सीख जाएंगे। यूज प्रीफिक्स होता है आगे वर्ड लगा के, इसको हम उपसर्ग कहते हैं हिंदी में, उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, जैसे इंपोर्टेंट इन इंपोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट हो जाता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट हो जाता है, ऐसे वर्ड जो ना कुछ आगे लगाएंगे, यूज अनयूज्ड हो जाएगा, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड हो जाएगा, तो ऐसे उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। फ्रेम क्वेश्चन बनाना, मेक सुजेशन इन स्पीच। अब हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं क्योंकि इसमें से एक्सट्रैक्ट जो आएंगे वो हमारे लिए इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे। डियर पापा, दिस इज इन आंसर टू अ लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशन, जो था उल्लंघन, कि मैं दिस इज इन आंसर टू योर लेटर, कि मैं आपके पत्र का उत्तर दे रहा हूँ अबाउट माई ट्रांसग्रेशंस, कि मैं कहाँ पे गलत चला गया, मतलब उल्लंघन आपके नियमों का कहाँ पे मैंने कर दिया। यस माई फर्स्ट रैंक स्लिप्ड टू द सेकेंड, हाँ मैं पहले ही रैंक पे आता था, पहले नंबर पे आता था, दूसरे नंबर पे आया हूँ। यू एडवाइस, आपने सलाह, आप सलाह देते हैं दैट आई शुड थिंक बिफोर आंसरिंग द पेपर्स, कि मुझे क्वेश्चनों का पेपर में उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए, आप ये सलाह मुझे देते हैं। यस द ऑपरेटिंग वर्ड, जो शब्द आपने कहा, जो कार्यात्मक शब्द है थिंक, सोचना, डिड मेक मी रिफ्लेक्ट होता विचार करना, मैं इस पर विचार करता हूँ, एंड दीज आर द रिजल्ट ऑफ दोज रिफ्लेक्शन, और उन्हीं विचारों का यह परिणाम है कि मेरा रैंक जो है पहले नंबर से फिसल कर दूसरे नंबर पर आ गया। फादर वी हैव नेवर रियली बीन क्लोज, कि हम वास्तव में अधिक नज़दीक नहीं रहे हैं। फादर्स वी हैव नेवर रियली बीन क्लोज एंड आई कॉन्ट राइटली से, और मैं सही तरीके से नहीं कह सकता, यू हैव बीन माई फ्रेंड्स, कि आप मेरे दोस्त की तरह हो, फिलोसफर दार्शनिक की तरह हो, एंड गाइड की एटसेट्रा, मार्गदर्शी की तरह हो, येट आई वुड लाइक यू टू बी अवेयर ऑफ माई थॉट्स, मैं चाहूँगा आपको अपने विचारों से परिचित करवाना, सचेत करना, अवेयर करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यू आर हाईली एजुकेटेड, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, एंड यू प्रोवाइड वेरी वेल फॉर द फैमिली, और अच्छी सुविधाएं आप परिवार के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। बट इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर, परंतु जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पर आप काम करते हैं, डू यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या आप वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपकी वहाँ पर लागू होती हैं, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में। फॉर दैट मैटर, इस मामले के लिए, दैट यू आर डॉक्टर फ्रेंड, क्या आपका जो दोस्त डॉक्टर्स है, और यू आर लॉयर ब्रदर्स, या आपका जो भाई वकील्स है। पापा माई ग्रांड फादर स्पीक ऑफ ए केयर फ्री एंड ब्यूटिफुल चाइल्डहुड, पापा मेरे दादाजी बोलते हैं कि उनका केयर फ्री, चिंताओं से मुक्त बड़ा बचपन बड़ा सुंदर रहा है। ऑफ डेज स्पेंट इन प्लकिंग मैंगोज एंड गवावाज फ्रॉम देयर ऑर्चर्ड्स, ऑफ डेज स्पेंट, जो उन्होंने दिन व्यतीत किए इन प्लकिंग, तोड़ने में मैंगोज, आम, गवावाज, अमरूद फ्रॉम देयर ऑर्चर्ड्स, होता फलों का बाग, फलोदान जिसको हम कहते हैं, अपने फलों के बाग से आम तोड़ते थे, अमरूद तोड़ते थे, और पिकनिक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर पिकनिक मनाने, भ्रमण करने जाते थे। Where the man cooked, जहाँ पर आदमी खाना पकाते थे, माउथ वाटरिंग फूड, मुँह में पानी दिलाने वाला भोजन, वो बहुत बढ़िया भोजन पकाते थे, और प्लेइंग मार्बल, कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। फ्रॉम हिज टॉक, उनकी बात से, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, स्टडीज वर एन एंसिलरी सब्जेक्ट, एंसिलरी होता सहायक, मतलब दूसरा, पढ़ाई जो है ना इनसे, अनुभव से दूसरा सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं है, एंसिलरी होता सहायक विषय है, एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंस, जिंदा रहना और अनुभव,
द मेजर सब्जेक्ट, ये हमारे प्रमुख सब्जेक्ट हैं। मतलब पढ़ाई जो है एंसिलरी सब्जेक्ट है, सहायक सब्जेक्ट है, लिविंग और एक्सपीरियंस हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, प्रमुख सब्जेक्ट हैं। फादर इज ही फीविंग होता है झूठ बोलना, क्या मेरे दादाजी झूठ बोल रहे हैं? और इज इट पॉसिबल दैट द वर्ल्ड हैज टर्न टॉपसी टर्वीज इन जस्ट अबाउट 70 ईयर? या ये इट इज इट पॉसिबल, क्या संभव है कि दुनिया जो है टर्न बदल चुकी है? टॉपसी टर्वी होता ऊपर की साइड नीचे हो जाना, उल्टी पुल्टी हो गई है इन 70 सालों के अंदर, क्या दुनिया जो बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो गई है? पापा माई ग्रांड मदर इज सेमी लिटरेट, कि पापा मेरी दादी माँ जो है बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, सेमी लिटरेट है, वो साइन वगैरह करना जानती है, उसको सेमी लिटरेट कहते हैं। यट सी इज एट पीस विद पोर्ट्स एंड पैन, परंतु वो फिर भी बड़ी शांति से रहती है अपने पोर्ट्स एंड पैन होता घर के बर्तनों के साथ, हर फ्लावर्स अपने फूलों के साथ एंड गार्डन के साथ, बड़े पेशेंसली काम करती, शांति से काम करती है। हर भगवत गीता अपनी भगवत गीता के साथ एंड स्क्रिप्चर्स होता है धार्मिक ग्रंथ, महाभारत रामायण गीता, ये हमारे होली बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स कहते हैं उनको। माई मदर हाईली क्वालिफाइड, मेरी माँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इज हाईली स्ट्रंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रंग होता भावुक रहना, बहुत ज़्यादा भावुक रहती है, टेंस तनाव में रहती है और नर्वस परेशान रहती है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो लिटरेरी मेक्स अस, कि जो साहित्य या पढ़ा लिखा होना लिटरेसी मेक्स अस साक्षर हमें बना देता है, रेस्टलेस बेचैन अफ्रेड ड्रावा एंड फ्रस्ट्रेटेड होता परेशान, या फिर हमारे को परेशान कर देता है। क्यों क्वेश्चन सर जो है बाद में डाल दिए जाएंगे आपको, उस पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे अगर जरूरी होगी, नहीं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओ पापा लास्ट वीक माई रोज प्लांट्स ऑलमोस्ट डाइड, पापा पिछले सप्ताह की बात है कि मेरा जो गुलाब का पौधा था वो लगभग खत्म हो गया था, सम पेस्ट कुछ कीट होते हैं, कुछ कीटों ने आई आस्कड उसे खत्म कर दिया था। आई आस्कड माई बायोलॉजी टीचर, मैंने अपनी जीव विज्ञान की अध्यापिका से पूछा व्हाट आई शुड डू टू सेव इट, इस पौधों को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एंड सी वाज क्रॉस, होता गुस्से हो जाना, वो बहुत गुस्से हो गई। सी सैड गो एंड आस्क द गाय हु कीप्स गार्डनिंग थिंग्स, उसने कहा जाओ और उस आदमी से पूछो जो गार्डनिंग का पौधारोपण का काम करता है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ही विल टेल यू, वो तुम्हें बता देगा। वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड, कि हम कीटनाशकों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, बट वी डू नॉट नो हाउ टू यूज एम, परंतु हमें नहीं पता उनका प्रयोग कैसे करना है। ओ फादर इट मैटर्स नॉट टू मी वाई द एप्पल डज नॉट फॉल अपवर्ड, पिताजी इट मैटर्स नॉट मी, मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, वाई द एप्पल डज नॉट फॉल अपवर्ड, कि सेब जो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरती है? और डू आई केयर व्हाट आर्कमडीज डीड, क्या मैं कोई चिंता करता हूँ कि आर्कमडीज ने क्या किया? व्हाट मैटर टू मी इज दैट माई रोज प्लांट्स रिमेन हेल्दी, भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो गुलाब का पौधा है तंदुरुस्त रहे या ना रहे। व्हेन देयर इज ए फ्यूज इन माई हाउस, जब मेरे घर में एक बिजली का फ्यूज होता है, आई शुड नो हाउ टू डू समथिंग अबाउट इट, तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए उसको कैसे करना है। आई शुड नो हाउ टू मेक ए डेस्क फॉर माई सेल्फ फ्रॉम माई कारपेंटर टूल, कि मुझे ये पता होना चाहिए, आई शुड नो, मुझे जानना चाहिए हाउ टू मेक ए डेस्क, कैसे बनाया जाता है फ्रॉम माई सेल्फ, अपने आप ही फ्रॉम माई कारपेंटर टूल, अपने जो बढ़ई के जो औजार हैं टूल्स हैं उनसे। इंस्टेड आई लर्न अबाउट हाइपोटेन्यूज, ये मैथ का वर्ड है, करण कहते हैं इसको हम हिंदी में, और रिलेशन स्क्वायर रूट, ये वर्ग वगैरह वर्गमूल वगैरह होते हैं, ये दोनों मैथ के हैं कि मुझे सीखनी पड़ रही है इनकी बजाय, मुझे वो काम सीखना चाहिए था कारपेंटर के टूल से, मुझे हाइपोटेन्यूज कारण वगैरह रिलेशन स्क्वायर रूट सीखने पड़ रहे हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। पापा वंस आई आस्क्ड माई ग्रैंड मदर हाउ सी गुड टू बी सो वाइज, मैंने एक बार अपनी दादी माँ से पूछा था कि इतनी बुद्धिमान कैसे हैं वो, डू यू नो व्हाट शी सेड, क्या तुम जानते हो उसने क्या कहा? बाई लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग, मतलब जिंदगी जीने से और अनुभवों से मैं बुद्धिमान हूँ। एंड सी लाफ्ड एज दो आई हैड आस्क्ड समथिंग विच वॉज सो ऑबियस, एंड सी लाफ्ड, वो हंसी थी इस बात पे, एज दो जैसे कि आई हैड आस्क्ड समथिंग, कि जैसे मैंने कोई ऐसी चीज पूछ ली विच वॉज सो ऑबियस, जो बात सबके लिए स्पष्ट होती है कि जिंदगी जो जीने के लिए और अनुभवों के लिए होती है, कि वो ऑबियस होता है, स्पष्ट होना, क्लियर बिल्कुल। आर वी लिविंग पापा, क्या हम जिंदगी जी रहे हैं पापा? और इफ इज लाइफ बाई पासिंग अस, या फिर जिंदगी हमारे पास से गुजर रही है? वट आई फियर इज दैट इफ आई वर टू मीट न्यूटन फेस टू फेस, वट आई फियर इज, मुझे जो डर है इज दैट इफ आई वर टू मीट फेस टू फेस न्यूटन, टू फेस टू फेस, अगर मुझे न्यूटन से आमने सामने मिलना पड़ जाए, आई वुड फेल टू रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसको नहीं पहचान पाऊंगा, रिकॉग्नाइज होता है पहचाना। सो बिजी
एम आई लर्निंग अबाउट हिम, कि मैं उसके बारे में सीखने के लिए बहुत व्यस्त हूँ। न्यूटन के बारे में सीखने के अगर मेरे सामने आ जाए तो पहचान नहीं पाऊंगा, परंतु क्योंकि मैं उसके बारे में सीखने में बहुत व्यस्त हूँ। यू नो, तुम जानते हो, जस्ट लाइक दैट बॉय, उस लड़के की तरह विनू, लड़के का नाम है, इन दैट अवार्ड विनिंग फिल्म में, उसने फिल्म में करेक्टर था ये, कि बहुत बड़ी फिल्म थी जिसने इनाम जीते थे, ही प्रैटल्स, उन्होंने होता बक बक करना जो बच्चे करते हैं, बच्चों की आवाज को प्रैटल्स कहते हैं। द हैबिस्कस इज रेड, उसने कहा था कि हैबिस्कस वो लाल कलर का होता है, 100 times, 100 बार कम से कम कहा था, बट इन हिज बुक, परंतु मेरी पुस्तकों में, हिज कलर इज येलो, उसका कलर जो है पीला है। आर वी मिसिंग आउट ऑन द सेंस ऑफ लाइफ, हम जिंदगी के सार को गवा रहे हैं, क्या सेंस होता है सार, क्या हम जिंदगी के सार को गवा रहे हैं? एनी वे पापा, डू यू नो वेयर आई लोस्ट दैट क्वार्टर मार्क्स? चलो पापा कुछ भी है, क्या आप जानते हैं कि मैंने वो क्वार्टर मार्क्स जो है 25% मेरे मार्क्स कहाँ पे चले गए? दैट ब्रोट अबाउट माई फॉल, जिसकी वजह से मैं नीचे आया, मेरे नंबर नीचे हुए। इट वॉज ए फीलिंग द ब्लैंक्स की बात है, मतलब फीलिंग खालिस्तान भरने थे उसमें, उसके अंदर मेरे नंबर कम हुए। आई हैड दैट आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, मैंने कहा कि मैं आई वॉज इन्वाइटेड टू टी एंड माई टीचर वॉज एडमेंट, होता जिद पकड़ना, कि मैंने तो खालिस्तान में भरा था, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी ये भर दिया था, परंतु मेरा टीचर जो जिद किस्म पे था, एडमेंट था बिल्कुल, उसने कहा दैट ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी, कि आपने लिखना चाहिए था ही वॉज इन्वाइटेड फॉर टी, टू की जगह 4 आना चाहिए था। ए मैटर ऑफ ग्रामर पापा, ये मैटर ऑफ ग्रामर का मामला था, व्याकरण का। एंड पापा इफ ही सेज जॉर्ज बुश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हमारा अध्यापक ये कहता है जॉर्ज बुश जो है भारत का राष्ट्रपति है, इट विल हैव टू बी सो, ऐसा ही होना चाहिए फिर। इफ ही सेज द सनराइज इज इन द वेस्ट, अगर सूर्य ये कहता है पश्चिम में उदय होता है, सो बी इट, ऐसा ही होगा। एंड इफ ही सेज द अर्थ इज फ्लैट, अगर ये वो ये कहता है कि पृथ्वी जो चपटी है, इट विल बी, ऐसा ही कहना पड़ेगा, इट विल बी माई पापा, ऐसा ही होगा पापा। एटलीस्ट ऑन माई आंसर पेपर, कम से कम जो मैंने आंसर देना है उस पर तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा, माई फर्स्ट रैंक इज एट स्टेक, क्योंकि मेरा पहला जो रैंक है वो दाव पर लग चुका है। यू सी, देख तुम देखते हो पापा कि मेरा पहला स्थान जा चुका है। स्टिल माई डियरेस्ट पापा, फिर भी प्रिय पापा, आई शैल कीप योर एडवाइस इन माइंड, मैं आपकी सलाह को दिमाग में रखूंगा, एंड ट्राई नॉट टू लूज एनी क्वार्टर मार्क्स, और कोशिश करूंगा कि मेरे क्वार्टर मार्क 25% नंबर ना कटे, जो अध्यापक कहेगा वही बात माननी पड़ेगी। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि इस प्रकार टीचर्स की गलती को बच्चों के ऊपर थोपा जाता है, कि जो टीचर कहेगा जोर जोर भारत का राष्ट्रपति है, तो हमें वही बात माननी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है, तो उधर ही होता है। तो ये कोई हमारे स्टैंडर्ड्स में या एजुकेशन में क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए, उसके बारे में सारी की सारी बातें हमने की है इसमें। यहाँ पे हमारे को कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं, वो जो पढ़ने जरूरी थे वो मैंने पहले लिख दिए हैं, अब हम देख लेते हैं। हरीश गोट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, गोट गुड मार्क्स इन इंग्लिश बिकॉज ही इज थॉट इट इज एन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड डिड नॉट स्टडी, एक पुअर मार्क्स, उसके नंबर कम आए क्योंकि सोचता था महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट कर दिया हमने। आई डोंट नॉट लाइक टू गो टू डिनर एनी वन अनइन्वाइटेड, कि जब तक मुझे आमंत्रित नहीं करते मैं अन लगा दिया हमने, विपरीत हो गया वो एंटोनियम, इसमें जैसे अवेयर का अवेयर ऐसे करना हमने। क्वालिफाइड का, मैनी मेडिकल सेंटर आर रन बाय अनक्वालिफाइड डॉक्टर चला रहे हैं। सेंसेबल स्टूडेंट ऑलवेज स्टार्ट स्टडिंग वेल बिफोर द एग्जाम, से पहले बढ़िया स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू फिनिश द कोर्स डे बिफोर द पेपर, से एक दिन पहले जो असंभव है, पेपर पूरा नहीं हो सकता। रोहित रोट टू अशोक एंड इन्वाइटेड हिम टू फॉर ए विजिट, बट द लेटर, ये स्पेलिंग जो गलत लिखी हुई यहाँ पे, एल ए डबल टी आ जाएगा, रिमेन अनआंसर्ड, उसने उसको आमंत्रित किया बट उसने उत्तर नहीं दिया। वुड यू लाइक टू वियर द, क्या स्वेटर को पहनना चाहोगे? आई बोट इट लास्ट ईयर, खरीदा था, बट इट हैज रिमेन अनयूज सो फार, परंतु अब तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। आई सा ब्यूटीफुल स्टैचू, मैंने एक सुंदर सा स्टैचू देखा था बुद्ध दुकान में, बट इट हैड सो स्मॉल क्रैक ऑन द बेस, परंतु एक छोटा सा दरार थी नीचे बेस में। आई डिसाइडेड नॉट टू बाई इट, मैंने निर्णय किया न खरीदे, एज इट इज इम्प्रॉपर पीस, क्योंकि ये सही नहीं है, इम्परफेक्ट भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी ठीक है। ईटिंग टू मच फैट एंड शुगर इज, ज़्यादा घी वसा खाना या चीनी खाना अनहेल्दी होता है। टू कॉल एन एल्डरली पर्सन बाई द नेम, हिज फर्स्ट नेम इज इम्पार्शल, से इम्पार्शल तो लास्ट के लिए है, डेटेड ऑफ गुड टीचर्स, ये क्या रहेगा, एक वर्ड लिखना बाकी था। टू कॉल एन एल्डरली पर्सन, बड़े आदमी को नाम से पुकारना जो इम्प्रॉपर है, अनुचित है, मतलब ठीक नहीं है वो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए गुड टीचर टू बी इम्पार्शल, कि एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वो निष्पक्ष रहे, इम्पार्शल रहे। तो मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पे, जैसा भी इससे लिखा गया है,
यहां पे हमने दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में से एक लगाना है, अगर वो सिंगुलर है तो क्या लगाना है, यू, यू के साथ हमेशा इज नहीं प्रयोग होता, आर होता है, इसके साथ हम आर का प्रयोग कर देंगे। आर यू गोइंग टू द मार्केट, टीचर्स इज द टीचर इन द क्लास, एक वचन है तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग कर देंगे। यू लाइक मैंगोस, डू, यू के साथ में डू का प्रयोग होता है, डज का नहीं होता है। योर मदर कुकिंग इज लगाएंगे क्योंकि मदर एक वचन है तो कुकिंग्स इज कुकिंग। योर ब्रदर्स ये भी एक वचन है तो एक वचन के साथ में डज का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग नहीं होता। यू के साथ में डू का प्रयोग होता है, डू यू नो संस्कृत, तो डज का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करने हैं, हु, व्हाट, विच, इनके अंदर से यूज होंगे ये। हु इज दैट मैन, कौन था वो आदमी। बुक के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग जो है ना ही और सी के लिए होता है। विच बुक डू यू वांट, द टेल ऑफ द टू सिटीज और डेविड कूपर। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हो गया है। हु मैट हिम, उसे कौन मिला था। विच वन ऑफ देम वॉन दैट मैच, की उन दो में से किसने मैच जीता। हु नहीं आएगा यहाँ पे, विच आएगा। बेकर्स आर सैम्प्रस से किसने जीता है, बेकर और सैम्प्रस। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं डब्ल्यू एच फैमिली से जो हमने क्वेश्चन बनाने हैं। वाई वर यू एब्सेंट, इनमें से वाई, वेयर, वैन, हाउ, कैसे। वर यू एब्सेंट यस्टरडे, वाई लगा देंगे, तुम एब्सेंट क्यों थे। वैन विल यू कम टू माई हाउस, वैन होता कब, समय के लिए, आप कब हमारे घर आओगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। हाउ आर यू सो टायर्ड टूडे, भी आप कैसे थके हो, वाई भी लगा सकते हैं। वाई आर यू सो टायर्ड टूडे, आज इतने क्यों थके हुए हो, क्यों थके हुए, तो हम वाई यूज कर देंगे। कैसे थके हुए तो हाउ लगा देंगे। When shall I meet you, आपको कब मिलूं, तो when लगाएंगे। Where can we go go shopping, के हम कहाँ जा सकते हैं shopping के लिए। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, वो डायलॉग्स हैं, आपस में बातचीत हो रही है, उसमें कुछ ब्लैंक छोड़ दिया उन्होंने। दिस शर्ट इज वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया कमीज है आपकी। वेयर डिड यू बाई, कहाँ से खरीदी। इन ए शॉप, अलोक को उत्तर देता है कि इन ए शॉप ऑन माल रोड पे से खरीदी है। रवि कहता है विच शॉप वाज इट, मॉडर्न स्टोर और जगन्नाथ, कौन सी दुकान से खरीदी है इन दोनों में से। आलोक मॉडर्न स्टोर से खरीदे, बट देर इज अनदर शॉप ऑन द एनजी रोड पे, और भी दुकान है, विच इज जस्ट एज गुड। रवि, व्हाट इज इट्स नेम, उसका नाम क्या है। एमजी रोड इज वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा है एमजी रोड, तो वेयर एग्जैक्टली इज इट, कहाँ पर है वास्तव में। डू यू नो टूरिस्ट होटल को, क्या तुम जानते हो, तो यहाँ पे डू लगा देंगे हम। इट इज नेक्स्ट डोर एंड इट इज कॉल्ड उत्तम सिंह दुगल्स एंड सन्स, इसको उत्तम सिंह दुगल्स एंड सन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सर आपको कभी अगर टाइम लगता है तो पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा देंगे हम, अदरवाइज इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, ग्रामर मैं साथ के साथ करता चलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।